ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का क्या ना, मेरी बात सुन लो, आपके आप ये लाख दो लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐसे ही मर गए मतलब? मेरी बात, हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले, आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन में, आंदोलन के दौरान वहां बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो ले, 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं, ये मर जाए तो कोई बात, एक्सीडेंट में नहीं मरे ना, ये भी एक घर में स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मरे, स्वेच्छा से मरे, हम किसान के साथ है तो संवेदना तो प्रकट की जाती है, संवेदना खूब प्रकट करता, मरे हुए हैं क्या प्रति, पूरी पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है, गया कोई जाति के चक्कर में, गया कोई और चक्कर में, गया आज तुमने बेरा ही बावड़े मार ले, थोड़े देर में ठंडे हो जाते, सारे है, चलो मैं ये चीज इतना कह रहा हूँ, नहीं जाता घूमता ना, और नहीं कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी, मेरे तो पीछे लगे रहते हैं, होली गया, मिल गया मसाला। नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पहले बयान दिया किसानों को चीनी एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट कहा, लेकिन कल जेपी दलाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें किसानों की मौत पर वो हंस रहे हैं। यहाँ पर दलाल खाप जो है, हरियाणा में जो दलाल खाप है, हरियाणा के ही कृषि मंत्री है, लेकिन हरियाणा की दलाल खाप जो है वो किसानों के समर्थन में यहाँ पर बैठी है, इनसे यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले की पोस्टर आप देखिए किस तरह से जो है इस पोस्टर में दिखाया गया है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो अंबानी, अडानी और जो उद्योगपति हैं और जो सेलिब्रिटी हैं और जो मीडिया के लोग हैं उनको जो है वो कैसे मैनेज किया जा रहा है, और मास्टर जो है, रिंग मास्टर जो है उनका वो कौन है, ये इस पोस्टर के द्वारा दिखाया गया है। लेकिन सवाल जो है वो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को लेकर के है, क्योंकि जेपी दलाल लगातार इस तरह से बयान दे रहे हैं, आपकी दलाल खाप जो है वो समर्थन कर रही किसानों का, लेकिन वहीं पर जेपी दलाल अपने नाम के पीछे वो भी दलाल लगाते हैं, वो बार बार किसानों को बदनाम कर रहे हैं, कभी पहले जो है चीनी पाकिस्तानी एजेंट का, अब कह रहे हैं कि किसान तो मरते ही है। हम तो यहाँ पर हमारे जितने भाई वीर गति को प्राप्त हुए किसान शहीद बोलते हैं, किसान शहीद के नाम से पुकारते हैं, और तमाम दलाल खाप तन मन धन से जिस प्रकार किसान आंदोलन में भाग ले रही है उन शहीदों के परिवार के भी बिल्कुल साथ है। एक मिनट में जब भी कोई दलाल खाप का कोई जरूरत पड़ेगी हमेशा खड़ी पाएगी। नहीं, लेकिन खापों का ये भी इतिहास रहा है कि खापों के विचारधारा के विरुद्ध कोई व्यक्ति जाता है तो खाप उस पर फिर कार्रवाई भी करती है। हाँ, करती है भाई साहब, दूसरी खाप पर कोई जाएगा तो हमारे खिलाफ जयप्रकाश गया था भाई, और जयप्रकाश को पूरी खाप ने फैसला करके फोन के द्वारा कॉन्टैक्ट कराया, चिट्ठी भेज के कराया, उससे जब कोई संपर्क नहीं हो पाया, पूरी दलाल खाप 84 भाई साहब जयप्रकाश से अलग हो चुकी है। उसने हमन नहीं रहा, उसने वो अपने कुछ भी लगाओ, हम तो जयप्रकाश बोलते हैं, रही कृषि मंत्री की बात, उसको दलाल नहीं मानते भैया, हमने अलग कर लिया, क्या खतर मानना हमसे, हमारा है ही नहीं कृषि मंत्री और सरकार का, पूरी दलाल खाप ने उससे अलग कर रखा है, आपने उनको बाहर निकाल दिया अपनी दलाल खाप से। नहीं, दलाल खाप ने अलग कर लिया, अब अपने बाहर हो गया, वो तो वो समझे वो कहने लगे तड़के मन्ने दलाल खाप बाहर काट दी, उसका क्या जवाब थोड़ी है, पूरी दलाल खाप का उससे कोई लेना देना नहीं है, खाली मंत्री है कृषि मंत्री और भी सरकार का, और किसान होने के नाते। लेकिन एक चीज और भी देखी हमने कि खापों का इतिहास रहा है, खाप जो है इस तरह के मामले में बड़ी सख्त होती है, और पहले जो है ये जेपी दलाल ने जो है बयान दिया चीनी पाकिस्तानी एजेंट का, और अब जो है फिर ये मौतों के ऊपर जो है किसानों की मौत के ऊपर हंसना, तो खाप की तरफ से कोई कार्रवाई भी होगी या बस खाली जो है पल्ला झाड़ लिया जाएगा? नहीं भाई साहब, पल्ला क्यों झाड़ दिया गया, खाप ने तो पहले ही अलग कर रखा उसको, खाप का तो मैटर खत्म हो गया। 5 दिसंबर ने खाप ना हमारे दादा भूप सिंह ने बोल दिया था हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, दलाल का तो मैटर खत्म हो गया वहाँ पे। हाँ। ये बात तो आप जोड़ो है, मतलब चलिए अगर दलाल उसको अलग भी कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि किसानों का मुद्दा है, वो कृषि मंत्री है, उसके बावजूद जो है इतना शर्मनाक बयान, मंदासौर से लेके और यहाँ 234 किसान शहीदों पे जैसे प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में हंसी ठल्ले किए, इसी तरह से ये मौत के सौदागर हैं जेपी दलाल, जो मानव अंग तस्करी में जिस पे 23 लाख रुपए की सेटलमेंट करके इन्हें FIR विड्रॉ करा रखी हो, जिसका दलाल खाप ने सामाजिक बहिष्कार कर चुके हों, इस तरह के संस्कार विहीन कृषि मंत्री मानव तस्करी में रहे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, उन पे मानव तस्करी की FIR रही थी। और ये बता दूं जिस तरह संयुक्त मोर्चे ने, आज पुलवामा का शहादत दिवस है, आज देश का किसान अपने उन CRPF के जवानों को भी श्रद्धांजलि देता है और किसान शहीदों को भी श्रद्धांजलि देते हुए मोदी से ये पूछता है, जो अर्नब की जो चैट थी
वो मोदी जी आपने जिसमें पुलवामा के हमले से पहले उनकी आशंकाएं वो आपने देश से क्यों छिपाई। मैं कि 22 किसानों ने लिखित प्रधानमंत्री को इसमें जिम्मेदार मान के सुसाइड भी किया हुआ है, तो सुसाइड में अगर ये मामला किसी और आदमी पे होता तो आत्महत्या उकसाने के केस दर्ज हो चुके होते अंदर होता। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि आप तो पुलवामा के शहीदों का सम्मान कर रहे हैं जी जी। लेकिन आपके किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हो रहे हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए जिस प्रकार से आपने कहा हमारे देश का प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है, उसके बाद कृषि मंत्री और जो स्टेट राज्य का मंत्री हमारा जेपी दलाल जी यहाँ दलाल खाप बैठी हुई है, बहुत पहले उन्होंने जो उन्होंने एक बयान दिया था आतंकवादी और खालिस्तानी कहा था, तो इन सभी ने दलाल खाप हमेशा गौरवशाली और कठिन फैसले लेने में मशहूर रही है। इनका अपना एक अस्तित्व है, जो इनका गौरवशाली एक इतिहास रहा है उन्होंने उसका सामाजिक बहिष्कार किया। जेपी दलाल पहले किडनी बेचता था, ये सभी ने पता, उसके ऊपर अपराध किडनी बेचते किडनियों की तस्करी करता था जेपी दलाल। और अभी आपने बताया डॉक्टर साहब ने कि कृषि मंत्री क्यों बनाया थे? कृषि मंत्री किसने बनाया? देखो वो एक समीकरण होता है वोट बैंक का, समीकरण में कोई इसमें यार कोई भी हीरो से जीरो और जीरो से हीरो हो सकता आदमी। लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजी आज के दिन जेपी दलाल ने की है, हमारे 250 से ज्यादा किसान क्रांतिकारी साथी शहादत, तो उनको कोई समीकरण बिगड़ने का डर नहीं है? कोई इस तरह के दनादन बयान दे रहे हैं, कोई समीकरण बिगड़ने का डर नहीं है? देख जिस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं ना, उन्होंने किसानों की जो शहादत हुई उसके ऊपर जो मजाक बनाया, वो अपनी राजनीतिक हत्या कर चुके हैं। और आने वाला समय इस बात का गवाह होगा कि जेपी दलाल जैसे बहरूपिए और जो दो नंबर का काम करने वाले तस्कर लोग दोबारा से विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। यहाँ बैठी हुई जितनी किसान सरदारी है उनको अपने जितना भी गौरव रहा है, हमारे इस देश को चलाने वाला किसान और मजदूर है जो अपने मेहनत की खाता है और देश के खजाने को भरता है। चुनाव तो अभी 3-4 साल दूर है, भूल जाएंगे लोग? नहीं भूल जाएंगे। देखो और लोकतंत्र में और होता क्या है, लोकतंत्र में तो अगर बहरूपिए लोग सत्ता में बैठ जाए जातिवाद और धर्म का चोला उठ के, तो उसका जब लोकतंत्र के अंदर तो एक वोट बैंक ही बचा ना। हम देखो आम चुनाव तो अब हो नहीं रहे, लेकिन सभी जित उन्होंने हमारे किसानों को अपमान किया है, जितने भी किसान क्रांतिकारी साथी हैं, देश की आम जनता आज कृषि मंत्री का जो बयान है उसकी निंदा करती है। संवैधानिक पद के ऊपर बैठकर किसी भी व्यक्ति ने ऐसे अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। सभी लोग हमारे देश की राजनीति आज इतने लेवल पे गिर गई है कि वो आदमी की मौत के ऊपर हंस रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसा लोग यार देश का एक प्रधानमंत्री है वो किसानों की मौत के ऊपर हंसता है, उसने कहा कि ये आंदोलनजीवी है ये परजीवी है। मैं कह देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को, हम आंदोलनजीवी बेशक सही, लेकिन हम आंदोलन कर रहे हैं ना। आप जब बैठे थे कि धारा 370 तोड़ दूंगा, आपने खुद कहा कि मैंने मांग के खाया, इसका मतलब आप परजीवी हो? किसान कोई मांग के खाता है क्या? खेतों में हल चलाते हैं सुबह से शाम तक, जब दो टाइम की रोटी खाता है तब शरीर पे कपड़े आते हैं। नरेंद्र मोदी ने सारी उम्र मांग के खाया है, परजीवी हम नहीं है, परजीवी नरेंद्र मोदी है। और ये जनता देखो, जब लोकतंत्र के अंदर जब जनता राजा निरंकुश हो जाए और आम जनता को जब न्याय ना मिले तब जन आंदोलन होता है, और जन आंदोलन घर बैठ कर नहीं लड़ा जाता, सड़कों पे लड़ा जाता है। आज देश की 100 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हमारे इस जन आंदोलन के समर्थन में है, और आने वाला इतिहास इस बात का गवाह होगा। नरेंद्र मोदी जैसे बहरूपिए लोग जो इस प्रकार आम जनता खून पी रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि अगर हमने ये बिल वापिस ले लिया तो अंबानी अडानी को हम क्या जवाब देंगे, इसका कहने का मतलब है कि उनकी जवाबदेही सिर्फ दो व्यक्तियों के प्रति है, 130 करोड़ लोगों के प्रति उसकी जवाबदेही नहीं है। इसका खामियाजा नरेंद्र मोदी को आने वाले लोकसभा इलेक्शन और जो विधानसभा इलेक्शन है उनमें उठाना पड़ेगा। मैसेज क्या है बार बार जो ऐसा बयान? आपको एक चीज बता दें, हरियाणा में एक सिलोज घोटाला हुआ है, इसी कृषि मंत्री के बेटे के नाम दो जो स्टील के अन्न रखने के सिलोज बोलते हैं उनको, कोविड पीरियड में जब रजिस्ट्री बहन थी इन्होंने दो सिलोज अंबानी अडानी के ये एजेंट बन चुके हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे इसराणा में और भिवानी में इनके लड़के के नाम पे दो इलीगल रजिस्ट्री हुई, और वो पब्लिक एक्सचेकर फंड से वो निवेश इनके नाम पे हुआ। तो ये कृषि के मामले में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सामाजिक रूप से निष्कासित व्यक्ति हैं। तो उनका मकसद क्या है, क्यों फिर वो बार बार ऐसा बयान दे रहे हैं? भाई साहब सरकार दिलवा रही है उनसे, और भी तो मंत्री हैं और भी लोग हैं सरकार में, वही क्यों? क्योंकि वो है कृषि मंत्री और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, तो उसी से दिलवाएंगे, दूसरे से कैसे दिलवा देंगे? लेकिन भाई साहब यहाँ जो कुश्ती है वो ग्राउंड की है, मैट की नहीं है। ये लोग ग्राउंड की कुश्ती करने वाले हैं, और यहाँ पर फैसला होता है चितिया पटका, और कुश्ती में जब छाती ऊपर होती है ना और कमर लग जाती है जब फैसला होता है, यहाँ पटकी कुर्सी लोकतंत्र की जो कुश्ती है वो तो चुनाव में ही नजर आती है, उस कुश्ती में फिर पटका नहीं मिलेगी क्या? लोकतंत्र की में नहीं, उसमें तो मिलेगी। यहाँ कुश्ती 4 पीढ़ियों की, मैं बता दूँ, सभी लोग कहते हैं 2024 की टेम्परेरी कुश्ती है, 2024 की
यहाँ चार पीढ़ियों की कुश्ती है। हमारे पिताजी बैठे हैं, ताऊ जी बैठे हैं, उसके बाद में हम तैयार खड़े हैं, हमारे पीछे बच्चे खड़े जो तीन पीढ़ी प्रेजेंट हैं, और चौथी नर्सरी हमारी तैयार होने लग रही है, उसके तो पीछे दूसरा ही नहीं है। उसको मैसेज देने जाते हैं ये कुश्ती चार पीढ़ियों की है, मोदी जी लड़ लेना, लाइन लो कितनी लंबी है पता चल जाएगा। कि चार पीढ़ी तक आप लोग जो है फिर इनके साथ नहीं जाएंगे, चार पीढ़ी तक साथ नहीं जाएंगे, उसको बताने के लिए खड़े हैं। अगर 2024 में भी फैसला नहीं हो पाया तो चार पीढ़ियां इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे एक के बाद एक। मैसेज है ये, मतलब ये मैसेज है, आप समझदार समझ जाएगा, चार पीढ़ियों तक याद रखेंगे इन्होंने जो काम कर रखे हैं, बिल्कुल एक लाइन में खड़े हैं। इसके पीछे दो मोटिव हैं उनके स्टेटमेंट देने का, एक जो सीलोज उन्होंने किए हैं इसी बजट सत्र में, उनको इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक बजट में बड़ा अमाउंट रखा गया है, वो अदानी को खुश करने के लिए दी जा रही है। दूसरा किसी जाति विशेष पे आंदोलन को शिफ्ट करने के लिए दलाल या जैसे ये अपने जो प्रतिनिधि हैं समाज के, उनको भड़काऊ बयान इसलिए दिलवाए जा रहे हैं। देखिए बड़ी बात यही है कि जेपी दलाल जो कि कृषि मंत्री है वो लगातार इसी तरह से जो है वो बयान देते रहे हैं, और इसी तरह से संसद के अंदर भी जब किसानों को लेकर के दो मिनट का मौन धारण रखा गया था उस वक्त में भी बीजेपी के नेताओं ने शेम शेम के नारे लगाए थे, और दो मिनट का मौन धारण जो है वो वहां पर भी नहीं रखा था। लेकिन यहाँ पर दलाल खाप के लोग जो है वो बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी चार पीढ़ियां जो है वो सरकार के साथ में टकराने के लिए तैयार है, और ये केवल 2024 की या और जो चुनाव है उनकी बात नहीं है, जब तक जो है मोदी सरकार चाहे तब तक जो है हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। और दलाल को जो है अपने खाप से जो है वो अलग कर रहे हैं, जेपी दलाल जो कृषि मंत्री हैं उनको अलग कर रहे हैं, और यहाँ पर मौजूद लोगों ने उनके ऊपर मानव तस्करी के, किडनी बेचने तक के भी आरोप लगाए हैं। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।